सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना साहब, जो कटिया का मछली होता है, जो जो चारा लगाकर जो मारते हैं, ये कैसा है? और मुर्गी के वझड़ी से मछली मारना कैसा है? ये एक भाई साहब हैं, जो इनका सवाल ये है कि जो कटिया लगाते हैं चारा वाला, चारा वगैरह उसमें डाल के और मछली का शिकार करते हैं, तो ये कैसा है। साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि मुर्गी की ओझड़ी से शिकार करना, मछली पकड़ना कैसा है। तो देखिए, ये दोनों तरीके ठीक हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। पहला जो आपका सवाल है कि जो कटिया वगैरह लगाते हैं गाँव वगैरह में मछली, जैसे बारिश शुरू हो चुकी है तो अब बहुत सारे लोग मछली पकड़ते हैं, तो उसका तरीका होता है एक छोटे से तार का ऐसे टेढ़ा सा बना हुआ था जिसको कटिया कहते हैं, उसमें चारा डाल देते हैं। चारा चारा एक कीड़ा है, हशरातुल अज़, एक कीड़ा है रेंगने वाला, उसको पकड़ के उसमें डाल देते हैं और फिर उससे मछली का शिकार करते हैं। तो इश्काल ये है कि वो जो छोटा सा कीड़ा है उसको हम मार रहे हैं, तो ये मछली पकड़ने के लिए, तो ये दुरुस्त है कि नहीं? तो देखिए, ये दुरुस्त है क्योंकि इंसान अपनी रजा के लिए, मछली उसके लिए हलाल है, उसको पाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, छोटा सा जो कीड़ा उसको इस्तेमाल कर रहा है। और इंसान को ये हक हासिल है कि इस ज़मीन पे जो चीज़ भी है वो उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीअ, कि ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है। तो इंसान के फ़ायदे के लिए जो चीज़ है, फ़ायदा मतलब जो चीज़ उसके लिए हलाल है, तो उस हलाल के लिए मछली उसके लिए हलाल है, खाना हलाल है। तो सलाल के लिए अगर किसी कीड़े का वो इस्तेमाल करता है, चारे वगैरह का इस्तेमाल करता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, वो इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा जो आपने पूछा कि जो मुर्गी की ओझड़ी है, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। जाहिर है कि मुर्गी कोई जबा करेगा, ओझड़ी मारा, इसमें तो कोई इश्काल ही नहीं है। इश्काल उसमें था कि वो चारा है, वो उसके अंदर ज़िंदगी होती है, उसको मार सकते कि नहीं। तो बिला वजह तो किसी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन वहाँ आप एक मसलियत के तहत उसको मार रहे हैं, यानी आप शिकार कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़मीन की सारी चीज़ इंसान के लिए। तो अगर आदमी अपनी एक जायज़ चीज़ पाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, उस मखलूक का, उस कीड़े का, तो उसके लिए इसकी गुंजाइश है। आप देखें कि वो कीड़ा तो दिखाई देता है, बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं, इंसान पानी पीता है उसमें भी कुछ कीड़े होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, तो ऐसा तो नहीं कि पानी पीना वो बंद कर देगा। बहुत सारी जगहों पर जो है कीड़े होते हैं जो इंसान के लिए इस्तेमाल में आते हैं, इंसान के खाने पीने के साथ उसका भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही आदमी अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए किसी कीड़े का इस्तेमाल करना चाहता है तो इस्तेमाल कर सकता है। तो उसमें ये इश्काल था। अब उसका जवाब ये है कि सारी मखलूकात तो इंसान के लिए, अल्लाह ने कहा ज़मीन में जो कुछ है खलक़ लकुम, तुम्हारे लिए पैदा किया है। तो ज़मीन में चाहे पेड़ पौधे जो कुछ हैं, अगर हमें उनसे फ़ायदा होता है और ऐसा फ़ायदा जो जायज़ है, तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अगर शरीयत ने उससे रोका नहीं है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मुर्गी की ओझड़ी के बारे में आपने कहा, तो इसमें क्यों इश्काल है, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा कि ये सवाल आपने क्यों किया, उसमें कौन सी हर्ज की बात है। ज़ाहिर कोई मुर्गी या मुर्गा आपने ज़बह किया होगा, अब उसकी ओझड़ी है वो किसी काम की नहीं है, उसको हो सकता है आदमी फेंक दे, तो उसको इस्तेमाल करके अगर मछली पकड़ रहा है, तो इसमें इश्काल वाली क्या बात है, वो आपने वाज़े नहीं किया, और मैं भी इस वक्त नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों ऐसा कहा गया। तो उसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है, इंसान अपने फ़ायदे के लिए जिससे उसको खाया, उसके कोई चीज़ है जो उसके खाने के काम नहीं आ रही, किसी और काम में अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जायज़ हैं, यानी दोनों तरीक़ों से मछली का शिकार किया जा सकता है, मछली पकड़ी जा सकती है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिले। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को ज़रूर डोनेट करें।